किसी को सामान्य तरह से चलता देखकर शायद उतनी खुशी नहीं होती है जितना किसी दौड़ते व्यक्ति को देखकर आपके अंदर एक उद्दीपन पैदा हो जाता है। किसी को सामान्य शब्द बोलते देखकर इतना अधिक आकर्षण नहीं होता है जितना उसी शब्द को लयबद्ध तरीके से गतिशील अवस्था में कहने पर, जब वह लय के साथ कहा जाता है और एक गीत बन जाता है तो हमें अच्छा लगता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऊर्जा एक ऐसी विधा है जो चाहे शरीर में हो, चाहे शब्द में हो, चाहे व्यवहार में हो, जब उसका प्रतिबिंब हमें व्यवहारिकता में दिखाई देने लगता है तो हमें अच्छा लगता है। और यही कारण है कि संगीत हमें हमेशा खुशी देता है। संगीत मानव संस्कृति का वह सबसे बेजोड़ नमूना है जो मानव मस्तिष्क के साथ साथ पूरे शरीर को संवेदनशील बनाता है। आरोह अवरोह के साथ, मध्यम के स्वर के साथ जब भी कोई गीत आप सुनते हैं तो आपको वह स्पंदन पैदा करता है। और यही कारण है कि मानव जीवन में जब वह दुखी हो, निराश होता है, जब वह थका होता है, जब वह अकेला होता है, तो उसे सबसे अच्छा माध्यम अगर कोई लगता है तो वह संगीत होकर लगता है। लेकिन संगीत का मतलब सिर्फ गाना सुनना नहीं होता है। संगीत की परिभाषा ही यह है, गायन, वादन एवं नृत्य, इन तीनों कलाओं के समावेश को संगीत कहते हैं। जो गाना गा रहा है, जो वाद्य यंत्र बजा रहा है, जो नृत्य कर रहा है, वह सभी संगीत के अंतर्गत आते हैं। और यही कारण है कि जीवन की विधा में खुशी लाने के लिए और एक संवेदनशीलता जगाने के लिए संगीत का अपना महत्व है। विज्ञान ने भी इसके खूब प्रयोग कर लिए हैं। यह देखा गया है कि जिन फसलों के पास, जिन फल के बढ़ने में, सब्जियों के बढ़ने में संगीत को सुनाया गया, वह फल, वह सब्जी ज़्यादा बड़े आकार के हुए, उस फसल ने ज़्यादा उत्पादन हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि संगीत एक ऐसी विधा है जो हमारे अंदर की शक्ति को एक अतिरिक्त शक्ति के रूप में सामने लाती है और हमारा कार्य ज़्यादा बेहतर परिणाम देता है। जब प्रकृति के अवयव संगीत के साथ इतने अच्छे परिणाम देते हैं तो मानव भी संगीत के साथ बहुत ही अच्छे परिणाम दे सकता है। लेकिन आज की दौड़ती भागती जिंदगी, भूमंडलीकरण, AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर, उन सब में और बढ़ती जनसंख्या के दबाव में आदमी ना जाने कहाँ खो गया है। कहने को वह हाड़ मांस का आदमी है लेकिन वह एक मशीन से ज़्यादा बेहतर भी नहीं रह गया है, और उसके 24 घंटे के समय में संगीत कहीं रह ही नहीं गया है। पहले संगीत की शिक्षाएं दी जाती थीं, अब केवल आदमी संगीत शब्द से परिचित है, वह धूम धड़ाके वाले संगीत से परिचित है। यह बात मैं आज इसलिए आपसे कर रहा हूं क्योंकि आज विश्व संगीत दिवस है, और संगीत में आपको पता है कि राग मल्हार गाकर तानसेन पानी बरसा देते थे, राग मलय बजाकर हवाओं में तरंग पैदा कर दी जाती थी, जो यह बताती है कि प्रकृति का हर तत्व संगीत को महसूस करता है, चाहे वह पानी हो, चाहे वह हवा हो, चाहे वह वायुमंडल हो, कुछ भी हो, वह संगीत को महसूस करता है। तो हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना है, और उन 5 तत्वों से बने होने के कारण जब आप संगीत से होकर अपने जीवन को गुजारते हैं तो निश्चित रूप से आपकी कोशिकाएं, जो खरबों की संख्या में आपके जटिल शरीर का निर्माण करती हैं, वह भी स्पंदित होकर, संवेदनशील होकर आपकी ऊर्जा को, ऊर्जा बनाने का काम माइटोकांड्रिया का है, लेकिन ऊर्जा को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाने का काम गालजी का है, करता है। अगर आप संगीत सुन रहे हैं तो ऊर्जा के संवहन का यह काम बहुत ही लयबद्ध तरीके से होता है। आपने देखा होगा हल्का सा म्यूज़िक बजाते हुए अगर आप कोई काम करते हैं तो आप ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा आराम से कर लेते हैं। इसलिए विश्व संगीत दिवस के दिन संगीत के प्रभाव को समझना आवश्यक है। आप सिर्फ गाना न सुने, आप किसी वाद्य यंत्र को भी ज़रूर बजाएं, इससे उंगलियों के टिप्स की एक्सरसाइज होती है। आप नृत्य करते हैं तो
21 जून को विश्व योग दिवस है। योग का एक आसन भाग है, एक आठवां हिस्सा ही है, लेकिन वो आसन जो कि आप केवल बैठकर करते हैं वह नृत्य के माध्यम से भी किया जा सकता है। शरीर की एक्सरसाइज होती है, अभ्यास होता है और आपका शरीर चपल हो जाता है, उसमें ऊर्जा का वितरण समान हो जाता है। इसलिए 21 जून को विश्व संगीत दिवस को भी समझना ज़रूरी है। आपको गाना आए या ना आए गाना चाहिए, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कितना मधुर गाते हैं, महत्वपूर्ण ये है कि आपके जो लैरिंग्स फेरिंग्स हैं उनसे स्वर निकलने की कितनी अच्छी क्षमता आप अपनी पैदा करते हैं। और कहते भी हैं कि करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से जगते परत निशान। तो अगर आज आपको गाना नहीं आता, कल आपको गाना आ भी सकता है, ये आपके अभ्यास पर निर्भर करता है। आपको आज नृत्य नहीं आता, कल आप नृत्य कर सकते हैं। आज आपको वाद्य यंत्र बजाना नहीं आता, कल आप वाद्य यंत्र बजा सकते हैं। तो आज इस वीडियो को मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है क्योंकि आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है और आपको यह समझना चाहिए कि संगीत अगर है तो जीवन मधुर है, संगीत अगर है तो जीवन लयबद्ध है, संगीत अगर है तो जीवन ऊर्जावान है। और आप उस ऊर्जा को कैसे अपने अंदर पैदा करना चाहते हैं और उस ऊर्जा के माध्यम से कितना बेहतरीन परिणाम देना चाहते हैं, यह तभी सत्य होगा जब आप संगीत के करीब होंगे। और अखिल भारतीय अधिकार संगठन के इस प्रयास में आलोक चांडिया की इस बात को दूर तक ले जाएंगे। आप सभी को विश्व संगीत दिवस की शुभकामना। नमस्कार।